गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दलजीत सिंह अवेलेबल विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको जो पीटी की एक्टिविटीज है, राइटिंग और लिसनिंग, उसके बारे में बताऊंगा। एक्चुअली ये एक डिफरेंट तरह की वीडियो होगी, क्योंकि मैं आपको कीवर्ड का यूज करना, कीबोर्ड का यूज करना सिखाऊंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट टेक्स योर अराउंड 2 to 3 minutes, इट वेस्ट योर 2 to 3 minutes जब आप कीबोर्ड नहीं यूज करते हो और सिर्फ माउस यूज करते हो। मैंने शायद 2-3 minutes बहुत कम बोल दिए, इट्स मोर देन दैट। तो सबसे जरूरी जो है, सबसे जरूरी बटन है, वो है टैब का बटन। टैब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप कर रहे हो और टैब को आप प्रेस करते हो, तो ये एक ब्लैंक से दूसरे ब्लैंक में शिफ्ट हो जाती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो माउस का यूज करते हैं, कर्सर लेके जाते हैं यहाँ, फिर धीरे से आगे लेके फिर क्लिक किया, बट दैट वेस्ट योर टाइम। सो दैट्स व्हाई टैब ही यूज करो। अगर टैब यूज कर रहे हो तो आप एक से दूसरे पॉइंट्स पर बहुत इजीली स्विच हो जाओगे। नेक्स्ट, कैप्स लॉक, कभी भी कैप्स लॉक बटन ना यूज करो। रीजन बीइंग, क्योंकि आप कैप्स लॉक बटन ऑन करके फर्स्ट लेटर कैपिटल डालते हो, तो हो सकता है सेकेंड भी कैपिटल डल जाए, तो दैट्स अ बिग ब्लंडर फॉर यू। कैप्स लॉक जो है वो यूज को अवॉइड करो। एंड थर्ड वन इज कि शिफ्ट को प्रेस करो, और कोई भी बटन आप कैपिटल डालना चाहते हो, जैसे कि शिफ्ट और जे इकट्ठा प्रेस किया, तो आपका ये वर्ड कैपिटल हो जाएगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं कीबोर्ड्स की कि आपको कीबोर्ड को प्रॉपर वे से ही यूज करना चाहिए। हाँ, इसका और इम्पॉर्टेंट फीचर है, अगर आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन में हो और राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आप पूरा सेंटेंस लिख रहे हो और आपको पता चला नहीं यार जो सेकंड वर्ड है ना वो गलत चला गया, उसको मैंने करेक्ट करना है। अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो माउस के साथ वो सेकंड वर्ड पर जाते हैं, इट अगेन वेस्ट योर टाइम। आप अपना हाथ माउस पर लेके जा रहे हो, फिर उसे ट्रैक कर रहे हो, वहां पर ले जा रहे हो, फिर क्लिक करते हो। प्रोफेशनल के लिए तो ये चलो ठीक है, लाइक दे डोंट वेस्ट अ टाइम, बट नॉन प्रोफेशनल के लिए इट वेस्ट अ टाइम। सो मैं आपको दो बटन बताने जा रहा हूं। द फर्स्ट वन इज योर एंड बटन एंड द सेकंड वन इज योर होम बटन। होम बटन कहां पर है? हाँ, होम बटन। अभी मैं वापस आता हूं पॉइंट पर। अगर आप राइट फ्रॉम डिक्टेशन कर रहे हो, राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपने पूरा सेंटेंस लिख दिया और देखा कि आपका सेकंड वर्ड जो है वो गलत है, तो आपको एरो के साथ आगे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रेस द होम बटन। जैसे ही आप होम बटन प्रेस करोगे, आप फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट वर्ड पर पहुंच जाओगे, देन एरो से धीरे से आप 3-4 एरो प्रेस करके आप सेकेंड वर्ड पे आ जाओगे। बट अगर आप रिवर्स ऑर्डर में जाते हो, तो इट वेस्ट योर लॉट ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड, आपको सेकेंड वर्ड आपने करेक्ट कर लिया और आपने देखा यार लास्ट वर्ड में भी ये गलती है, तो अगेन यू नीड नॉट टू प्रेस एरो सो मेनी टाइम्स, बट यू नीड टू प्रेस द एंड बटन। जब आपने एंड बटन दबाया, तो आप लास्ट में पहुंच जाओगे और वो वर्ड भी करेक्ट पर पाओगे। तो ये कुछ कीबोर्ड एक्टिविटीज है दैट सेव्स योर टाइम, आपका टाइम सेव होगा। और हाँ, जैसे ही आपने क्वेश्चन किया, इंस्टेड ऑफ माउस यू कैन यूज अ टैब, तो टैब के साथ भी आप फिनिश या नेक्स्ट कर सकते हो, इट सेव योर लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अगर आपका टाइम बच गया, 2 से 3 मिनट बच गए, दिस मीन्स के यू हैव सेव्ड योर लॉट ऑफ टाइम एज वेल एज एफर्ट्स एंड ऑफ कोर्स स्कोर तो है। सो दैट्स एन एंड ऑफ द वीडियो, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।